गुरुवार को राजधानी रांची में स्थित होटल एवियन ग्रैंड में सदगुरु श्री सितेश्वर जी बाबा ने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर किए गए आत्मदर्दित टिप्पणियों के संबंध में एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि राम के विरुद्ध जिन लोगों ने टिप्पणियां की है ये वही लोग हैं जो अपने जीवन में पाखंड का ढोंग करते हैं और लोगों को बरगलाने का कार्य करते हैं। राम शाश्वत है और वो लौट आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़कों पर गलियों पर सुन सुनकर देश का सर्वोत्तम कार्य राम मंदिर का निर्माण कराया है जो प्रशंसनीय है। वहीं इस मौके पर उन्होंने एक ऐप को भी लॉन्च किया जिसके जरिए लोग अपने समस्याओं का समाधान या तो यूं कह लें कि अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकेंगे। साथ ही उन्होंने इस प्रेस वार्ता के अंत में कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में दीपोत्सव है जिसे पूरे देश साथ मिलकर मनाएगा। ऐसा आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले लोग देखते रह जाएंगे। भारत और विदेशों के 108 नगरों में यह दीपोत्सव महोत्सव मनाई जा रही है। कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, यूके हो, सब जगह सऊदी तक में दीपोत्सव मनाया जाएगा। और ये महामहोत्सव कोई सरकारी महोत्सव नहीं है, ये महामहोत्सव किसी दल का महोत्सव नहीं है। दल के दलदल से ऊपर उठकर सनातनी और भारतीयों के दिल का महोत्सव है, क्योंकि भारत की आत्मा श्री राम है, कृष्ण है, भोलेनाथ है। इसलिए इन्हें बांटना, छोटे छोटे टुकड़ों में करके हृदयों में वैमनस्य पैदा करना, जिन लोगों का धर्म है वो पराजित हो रहे हैं। इसी विषय को लेकर के मैंने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत के चारों कोनों में, अभी 4 दिन पहले मैं कर्नाटका में था, मैं देखना चाहता था कि क्या कर्नाटका के लोगों को भी वही उत्साह है, या जो कन्नड़ बोलते हैं, कभी कोई तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, जो मलयालम बोलते हैं, जो केरला के लोग हैं, क्या वो भी ऐसे ही उत्साहित है या सिर्फ अयोध्या के 4-5 जिलों के आसपास में उत्साह मना हुआ है। आप जानकर हैरान होंगे, आप जो पत्रकार हैं वहां के टीवी चैनलों से आपके संबंध होंगे, जरा पूछिए कि वहां के लोग, भाषा अलग है, प्रकट करने के तरीके अलग है, पर इमोशनली पूरा भारत एक है। उनके भी आंखों में आंसू हैं, भगवान श्री राम के मंदिर के बन जाने के खुशी के आंसू, प्राण प्रतिष्ठा के आंसू, जो कभी असंभव लगता था वो भारत मंदिर, राष्ट्र मंदिर, राम मंदिर, विश्व मंदिर का निर्माण जिन लोगों ने किया, ये केवल किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हो सकता, ये उन लोगों का भी कारण है जो लोग आपके गलियों में कभी सरस्वती पूजा रखते, कभी दुर्गा पूजा रखते, कभी हनुमान यात्रा निकालते, कभी राम यात्रा निकालते, जिनको डाइनिंग टेबल और डाइनिंग ड्राइंग रूम में बैठे हुए वो तथाकथित सो कॉल्ड भारतीय लोग, जो उनको आवारा कहते, चंदाखोर कहते, अरे आवारा लोग कहाँ हैं, दिन रात पूजा रखते रहते हैं, ये चंदाखोर लोग हैं। आज उनको भी याद करने का समय है कि उन लोगों ने मैकोले की शिक्षा पद्धति के बाद भी भारत की आत्मा भगवान राम, कृष्ण, सरस्वती, जो विद्या की देवी है, इन लोगों के प्रतिमा और प्रतीकों को जिंदा रखा। सारे भारत को उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए और भारत को प्रणाम करना चाहिए ऐसे लोगों को, जिनको हमने चंदा खोर कह के और आवारा कह करके उनको बाहर कर दिया था। ये टाई और कोट लगा करके कुछ लोग भारत के भारतीयता को और सनातन संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं टाई की जब बात करता हूं तो एक बार जरूर करता हूं, ये साइबेरियन कंट्री में नाक पोंछने के लिए बनाया गया था, पर आज तो टाई लगा करके जेंटलमैन बन जाते हैं। टाई लगा लिया, धोती कुर्ता कोई पहन लिया तो बड़ा प्राचीन बन गया, बड़ा ओल्ड हो गया। तो चूंकि मैकॉले ने कहा था कि भारत शरीर से आजाद होगा पर मानसिक रूप से इसको हम गुलाम रखेंगे सैकड़ों वर्षों तक, और वो मानसिक गुलामी देसी मुर्गी विलायती बोल अंग्रेजी के चक्कर में, अंग्रेजियत के चक्कर में वो आज भी हमारे भीतर में विद्यमान। भारत के साथ साथ दुनिया में केवल 7 से 9 दोस्त अंग्रेजी बोलते और इसको ग्लोबल लैंग्वेज घोषित कर दिया सबने। चाइना अपनी भाषा बोलता है, जर्मन अपनी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच अपनी भाषा बोलते हैं, रशिया अपनी भाषा बोलता है, स्पेन अपनी भाषा बोलता है, जापानी अपनी भाषा बोलते हैं, और ये भारत से इकोनॉमी की दृष्टि में काफी ऊंचे हैं। इनकी देशभक्ति पर कोई शक नहीं कर सकता। यह आज बड़े विकसित राष्ट्र है, ये तो इन्हें अंग्रेजी नहीं बोलते। अगर अंग्रेजी ही मॉडर्निटी की पहचान है तो ये बिल्कुल नहीं बोलते, पर इनकी इकोनॉमी अच्छी, इनमें राष्ट्रभक्ति अच्छी। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।